हरि ओम। ऋषि दर्शन में आपका स्वागत है। ऋषि दर्शन के इस अंक में आप देखेंगे 8 मार्च को पूरी दुनिया में आयोजित की गई रैलियां और सौंपे गए ज्ञापन। हम लोग तो मजूरी कर करके मर जाते हैं, संसारी लोग तो भी बेचारे तृप्त नहीं होते, हर्ष को सुख मान लेते। हर्ष और शोक है मन के विकार, उन्हीं को वो लोग सुख मान लेते हैं, तृप्ति का तो उनको अनुभव नहीं। धीरज से तृप्ति पदे पदे, कदम कदम पे उसे तृप्ति का अनुभव होता है। और दुनिया में यही काम करने के लिए मनुष्य जन्म मिला है, हम लोग भूल गए सब। क्यों और कैसे अवतरित हुए भगवान झूले लाल? भगवान राम ने सीता मैया को कैसे घुमाया बाजार? महर्षि अंगिरा ने चक्रवर्ती सम्राट चित्रकेतु को क्यों नहीं माना असली ज्ञान का अधिकारी? जानिए कथा प्रसंग में। और एक गिलहरी की शिकायत पर भगवान राम ने क्या सजा दी भक्त हनुमान को? भगवान कृष्ण अर्जुन के जन्मों को जानते हैं और अपने अवतरणों को जानते हैं, लेकिन अर्जुन नहीं जानता है, क्योंकि अर्जुन को गीता के पहले अध्याय में आता है 33वें श्लोक, अर्जुन को ये मोह है कि ये मेरे हैं, जिनके लिए मैं लड़ना चाहता हूँ, जिनके लिए राज्य भोगना चाहता हूँ, वे अपने प्राणों का सुख का धन का त्याग करके मेरे सामने आके लड़ रहे हैं, अरे आए ये क्या। तो अर्जुन को मेरे, मैं और मेरे का भाव है, इसलिए अर्जुन अपने जन्मों को तू नहीं जानता है, लेकिन मुझे अपने सोहम स्वरूप का भाव पता है, इसलिए मैं अवतरणों को जानता हूं। और ऐसा आप अभ्यास करो तो आप भी अपने स्वरूप को जान लोगे, इसलिए जयंतियां मनाई जा रही है। जय राम जी बोलना पड़ेगा। उच्च कोटि के संत से एक महिला ने पूछा कि बाबा जी, हम आपकी कथा में आते हैं तो हमारे ससुरा जी डांट देते हैं, फिर हमको क्या करना चाहिए? बाबा ने कहा, जिस दिन ससुरा डांटे, कथा में न जाओ, मंदिर में न जाओ, सत्संग में न जाओ, उस दिन तो जरूर जाना, क्योंकि न जाने को उसने कहा और तुम नहीं जाओगे तो उसको पाप लगेगा, उसको पाप न लगे और तुम्हारा मन दब न जाए, पराधीन न हो जाए, इसलिए उस दिन तो जरूर जाना चाहिए, खास जाना चाहिए। परेशान लोगों के लिए बापूजी ने दी कौन कौन सी आसान टिप्स? योगासन में जरूर देखिए वीरासन से क्या क्या होते हैं फायदे, और इस महीने की पुण्यदायी तिथियों का अवश्य उठाएं लाभ। कली का किनारा नाम हरि, मंगल मंगल नाम हरि, हरि ओम हरि ओम, हरि ओम हरि ओम, हरि हरि